हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। गया ओटीए में शनिवार की सुबह 15वें पासिंग आउट परेड और पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर चीफ गेस्ट आर्मी पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने मौजूद थे। परेड ग्राउंड में उनकी अगवानी ओटीए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव व डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल विजय राय ने की। पासिंग आउट परेड में 84 सैन्य अधिकारी ट्रेनिंग पूरी कर शनिवार को देश को समर्पित किए गए। इनमें TS के 66 और SCO के 18 कैडेट शामिल हैं, जो अफसर बनकर पास आउट हुए। इनके अलावा परेड में एक वर्ष की बुनियादी ट्रेनिंग ले रहे 62 कैडेट शामिल हुए। इस दौरान चीफ गेस्ट ने परेड की सलामी ली, फिर निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रेनिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विंग कैडेट कैप्टन कुलविंदर सिंह को स्वर्ण पदक, विंग कैडेट कैप्टन चंदन कुमार को रजक और विंग कैडेट क्वार्टर मास्टर को कास्ट पदक दिया। इनके अलावा SCO के एकेडमिक अनिल कुमार को रजक पदक और प्रशिक्षक कंपनी गुरेश को चीफ ऑफ आर्मी स्टार बैनर से नवाजा गया। कैडेट क्वार्टर मास्टर नीरज कुमार को कास्ट पदक दिया गया। 15वीं पासिंग आउट परेड में जहां 84 जेंटलमैन कैडेट्स अधिकारी बन गए हैं, वहीं 62 जेंटलमैन कैडेट्स को एक वर्ष की बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के लिए देश के विभिन्न सैन्य संस्थाओं में भेजा गया। ये तकनीकी संस्थाएं हैं मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ, एफ कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। Thank you.
पहली बात तो मैं इन सब अफसर जो नए कमीशन हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तीन साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद कमीशन हासिल किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने सर्विस में भी इसी तरह अच्छा काम करते रहे और उनको भी बड़े बड़े पद संभालने का मौका मिले। जैसे मैंने अपने एड्रेस में बताया कि जब तक आप अपना लगन के साथ काम करोगे, जो चेक बोर्ड का क्रेडो है, सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, जब तक हम हमेशा देश के बारे में पहली बार सोचेंगे तो अपने आप उनको भी सफलता मिलेगी। सेना का जो अनुशासन है वो अभी भी दूसरे क्षेत्रों के लिए स्वीकार करने योग्य, ग्रहण करने योग्य करने योग्य आप मान रहे हैं? सेना का अनुशासन देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर जगह अलग अलग क्रिया जो है वो अपनानी पड़ती है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हमारे लिए लागू है वो सभी के लिए लागू होना चाहिए। वो मौके को देखते हुए, जो इलाका है वो देखते हुए, इसीलिए ये हमारे लिए अनुशासन जो है वो ज़्यादा कठिन और कठोर बनाया गया है। इसका तो मतलब ये नहीं कि ये सबके लिए होना चाहिए। सर, क्या चुनौतियाँ आप मान रहे हैं आर्मी के लिए?